ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे ओरियो से मोदक। ओरियो मोदक बनाने के लिए ये हमने 2 पैकेट लिए हैं ओरियो बिस्किट के, और ये हमने लिए है मलाई, घर की बनी हुई है दूध की मलाई है, तो ये हमने लिए है 4 बड़े चम्मच, और ये आधा कप हमने नारियल का बुरादा लिया है, और आधा कप हमने दूध लिया है, नॉर्मल दूध है। ये थोड़ा सा हमने घी लिया है इसको ग्रीस करने के लिए। इसमें हम बनाएंगे मोदक। तो पहले हम इसमें से बिस्किट निकाल लेंगे सब। और ये जो क्रीम है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका हम स्टफिंग बनाएंगे। तो ये सब क्रीम इसमें निकालेंगे, और ये बिस्किट को हम इसे तोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे, क्योंकि इसे हमें पीसना है। तो सारे बिस्किट हम इस तरह डाल देंगे और क्रीम इसमें ले लेंगे सब। इस तरह से चाकू से करेंगे तो क्रीम निकल जाएगा। ये तो सब हम इस तरह से कर लेंगे। ये सारे बिस्किट हमने इसमें ले लिए है तोड़ के, और क्रीम सब हमने निकाल लिया है इसमें। अब इसको हम पीस लेंगे। ये हमने बिस्किट सारे पीस लिए हैं इस तरह से। अब इसको हम छान लेंगे, क्योंकि कोई बड़ा टुकड़ा रह गया है तो निकल जाएगा। तो इसमें हम छान लेंगे। अगर बड़ा रह गया तो हम फिर से इसको पीस सकते हैं। तो सब ऐसे छान लेंगे। ये हमने सब पीस के छान लिया है बिस्किट। अब इसमें हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे, 1 चम्मच जितनी, और दूध डालेंगे। ऐसे अब इसको हम मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, और इसका एकदम आटे जैसा बनाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह अब थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसमें हमने 1 ही चम्मच दूध डाला है। अब आधा डालेंगे इस तरह से। ऐसे जैसे हम आटा लगाते उस तरह बनना चाहिए अपना, ये इस तरह से। तो इसको हम साइड में रखेंगे और स्टफिंग की तैयारी करेंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये क्रीम है इसमें हम डालेंगे ये नारियल का बुरादा, इस तरह से 2 चम्मच, और इसको मिला लेंगे। इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीम में ऑलरेडी चीनी होती है, और बिस्किट भी मीठे ही होते हैं। थोड़ा सा नारियल हम और डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ऐसे हमें स्टफिंग तैयार करना है। अपना ये स्टफिंग तैयार हो गया है, तो अब हम मोदक बना लेंगे। तो ये पहले जो मोदक बनाने का मोल्ड है उसको हम घी से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे,
कि आराम से निकल जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा ही लगाना है इस तरह दोनों ही साइड। अब इसको हम ऐसे हाथ में लेके थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। अब इसको हम इसमें डालेंगे। और इसको दबाएंगे, एकदम दबा के यहाँ तक आना चाहिए, इतना दबाना है हमें इस तरह से। थोड़ा सा और ले लेंगे। चारों साइड से इस तरह से। इस तरह उंगली से दबा देने का है। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। बीच में इसको भी दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और लगा लेंगे और इस तरह से दबाएंगे इस तरह। अब इसको हम निकाल लेंगे खोल के। एकदम आराम से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो सारे मोदक हम इस तरह से बना लेंगे, प्लेट में रख देंगे इसको। ये हमने बना ली है सब मोदक, तो दो पैकेट बिस्किट से हमारे ये 5 मोदक बने हैं। तो एक हम कट करके देख लेते हैं, इसको बीच में से काटेंगे इस तरह से। तैयार है अपने ओरियो बिस्किट के मोदक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना आपको कैसा लगा है ओरियो बिस्किट का मोदक।